बट आपकी एज क्या है, आपकी शादी नहीं हो जानी चाहिए थी अभी तक। ये बातें बड़ी नॉर्मल और बड़ी कॉमन है। इवन आप रोजा रखते हैं? बेटा आपने रोजा रखा है? अब एक लड़की से ये सवाल पूछना कि रोजा रखा है कि नहीं, आउट ऑफ 30 डेज कोई 5 से 7 दिन तो ऐसे हैं जब वो रोजा रख ही नहीं सकती है। तो अगर एक लड़की कहती है नहीं, और मेरे सामने मैंने रमजान ट्रांसमिशन जितनी होस्ट की हैं, आपने भी की हैं, आप मुझे बताएं कि रमजान ट्रांसमिशन में लाइव मेरे से किसी ने पूछा आपका रोजा और मेरा नहीं था, ननिका जी ने क्यों नहीं रखा? अब मैं अगर ऑन एयर कह देती कि जी मुझे पीरियड्स हैं, ओह माय गॉड, उस वक्त तो सैंकर की क्या इज्जत रहनी थी, मेरी क्या इज्जत रहनी थी, ऑन एयर क्या इज्जत रहनी थी। बात सिर्फ इतनी है कि हम तो पीरियड्स, प्रेगनेंसी, मिसकैरेज, इन चीज़ों पे बात ही नहीं करते, जिसकी वजह से हम एक मेंटल फ्रस्ट्रेशन क्रिएट करते हैं सोसाइटी में। हम अभी तक पैट से कंफर्टेबल नहीं हो सके। भाई एक बच्ची को रिसेंटली स्कूल में एक मेल टीचर ने शदीद जलील किया, ये एक एक्चुअल न्यूज स्टोरी है। एक लड़की को पीरियड्स हुए, वो उसके पहली दफ़ा था शायद, तो उसको नहीं पता था, तो पीछे से उसके स्टेन था, उसको उसके मेल टीचर ने जलील किया इन फ्रंट ऑफ द होल स्कूल। आप सोचें कि वो बच्ची कितनी ट्रॉमेटाइज होगी। ऑलरेडी एक ऐसी चीज़ जिसके बारे में बच्चों को कन्फ्यूजन होती है और ज़्यादातर पेरेंट्स बताते नहीं हैं, माइंड नहीं डिस्कस करती हैं, वो कहती हैं कि यार जब होगा तो बता देंगे। ऑकवर्ड कॉन्वर्सेशन है, जैसे अगर बच्चा पूछे कि मामा व्हाट इज सेक्स, तो हम जरा कच्चे हो जाते हैं। बट आई थिंक इट्स अबाउट टाइम कि हमें इस ऑकवर्डनेस को ख़त्म कर देना चाहिए, बिकॉज ये बहुत ज़रूरी है। अभी जो कसूर में वाकयात हो रहे हैं, एक के बाद एक हो रहे हैं, और अभी भी जो हैं ये केसेस, ये फुली रिपोर्टेड केसेस नहीं हैं, आई एम श्योर अबाउट दैट। 51% लड़कियाँ, 49% लड़के। और जुगन ये तो वो केसेस हैं जिसमें बच्चे खुदा ना खास्ता मर जाते हैं या बहुत तकलीफ में चले जाते हैं। बहुत सारे ऐसे केसेस हैं जिनमें पता भी नहीं चलता और बच्चे मोलेस्ट हो रहे होते हैं, या पता चलता है और माँ बाप इस डर से और इस शर्मिंदगी से कि उनका तमाशा बना दिया जाएगा और हमारे बाकी बच्चों का क्या होगा। देखिए ज़ैनब का जो केस हुआ, उस केस में मीडिया की कुछ ये फॉल्ट ज़रूर थी कि उस बच्ची की तस्वीर इतनी चलाई भैया, ब्लर करके चला दें। आप क्रिमिनल की शक्ल ब्लर करके चलाते हैं और जो विक्टिम होता है उसको पब्लिकली आप एक उसका तमाशा बना देते हैं। मैंने भी रिसेंटली अपने प्रोग्राम पे जुगन एट 9 पे ये शो किया और हमने विक्टिम्स को नहीं बुलाया, क्योंकि ऐसे केस में जब आप विक्टिम्स को बुलाते हैं जो खुद पब्लिक में नहीं आना चाहते, तो फिर आप उनको जिच करते हैं। देखिए एज मीडिया हमारी भी तो कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटी है, इफ़त उमर की एक रिस्पॉन्सिबिलिटी है, जुगन काजम की एक जिम्मेदारी है, चैनल्स की रिस्पॉन्सिबिलिटी है, लेकिन हम इसका नहीं ख्याल करते। सिर्फ रेटिंग और TRPs की गेम है, इसीलिए तो अब YouTube की तरफ हम सब मुड़े। नोट किया था कि कितने प्लेस बनना शुरू हो गए थे इस टॉपिक के ऊपर और बच्चों के। उडारी जब बना तो इतना ज़्यादा क्रिटिसिज्म आया। मेरी एहसन खान से फ़ोन पे बात हुई थी जिस दिन हमने ये कसूर वाले इशू पे बात की, एंड मुझे यही बात एहसन ने की कि सारों ने उस पे तनकीद की, हर किसी से ने नेगेटिव क्रिटिसिज्म दिया, बट देन व्हाट हैपेंड आफ्टर दैट, सब ने फिर दाद दी, वेल डन आपका अवार्ड। तो व्हाट डू यू थिंक कि इन टॉपिक्स पे हमें प्लेस बनाने नहीं चाहिए या भाई, अगर आप खुद नहीं बच्चों से बात कर सकते, खुद नहीं उनको गाइड कर सकते, तो कम से कम उनको टीवी प्लेज या स्कूल के अंदर किताबें, गुड टच बैड टच में डिफरेंस, इन चीज़ों पे तो काम करें ना। अगर माँ बाप ऑकवर्ड है, मैं अंडरस्टैंड कर सकती हूँ, मैं भी माँ हूँ, आप भी मदर हैं, हम थोड़े से हो जाते हैं, विजिलेंस भी है। लेकिन देखें इसमें ये वाला सवाल आ जाता है कि क्या रियासत फेल कर गई है या सोसाइटी फेल कर गई है, सवाल तो ये उठता है ना। हम एज अ सोसाइटी कुछ जगहों पे फेल किए हैं, रियासत भी कुछ जगहों पे फेल की है, और अगर दोनों को साथ लेके चलेंगे तो चेंज आएगा। जो मुझे दूसरी चीज़ बहुत बॉदर करती है, हम एक बंदे को टारगेट करके कहते हैं इसकी गलती है। अब अगर वो इंसान कुछ करने की पोजीशन में होता है ना, तो इफ़त जी फिर क्या होता है, वो इंसान जिच हो जाता है, वो कहता है मैं नहीं करता कुछ, खसमा नू खाओ। आपने लोगों को साथ लेके चलना है, वो कहते हैं ना थिंक आउटसाइड द बॉक्स बट वर्क विद इन द बॉक्स। अगर डब्बे के अंदर रह के सब लोगों को साथ लेके चलोगे तो चेंज आएगा, अगर बाहर खड़े होकर चीखे मारते रहोगे तो क्या होगा इफ़त जी, लोग नोटिस करेंगे, एक दो प्रोग्राम, चार प्रोग्राम टीवी पे उसके बारे में होंगे और बात खत्म हो जाएगी। जब तक अगला बच्चा मरा नहीं मिलेगा उसके बाद यही होगा। कसूर वाले केस में 300 से ज्यादा थे केसेस, वो एक बंदा जिसने एक सर्टन अमाउंट ऑफ बच्चों के साथ ज्यादती की थी, उसको पब्लिक, वो जो पब्लिक हैंगिंग सारा कुछ, वो तमाशा हुआ, बात खत्म हो गई। वो जो पेरेंट्स हैं उनकी रिहैबिलिटेशन कौन करेगा, जिसकी औलाद टोटो में उसने दफन की है उसका खमियाजा कौन भुगतेगा, हु इज गोइंग टू टेक रिस्पॉन्सिबिलिटी। बड़े आराम से लोग कह देते माँ बाप को ख्याल करना चाहिए था, भाई जिस घर में 15,000 रुपए सैलरी है दीदी और दूसरे मतलब, और चलो माँ और बाप दोनों काम कर रहे हैं ताकि बच्चों के मुस्तकबिल को सिक्योर कर सकें, वो क्या करें, नौकरियां छोड़ के घर बैठ के बच्चों पे के पहरे दें,
तो फिर क्या कर सकते हैं, ये जानवर तो इंसान के अंदर कहीं कभी किसी वक्त भी आ सकता है। बट जानवर भी ऐसे नहीं करते, बात तो ये, तो जानवर भी ऐसे नहीं करते, ये तो कोई और ही मखलूक है। पर ये है मखलूक और उससे ज्यादा है जितना हम मानने को तैयार हैं, उससे बहुत ज्यादा है। बट दैट्स द पॉइंट, अगर हम कलेक्टिवली काम करेंगे, अगर हम मिलके काम करेंगे, क्या काम करें बताओ। okay. तो चले, अगर कोई विक्टिम है, आपने उस विक्टिम को लिया, आपने उसका प्रॉपर चेक किया, उसके साथ एक माहिर नफ्सियात भी बिठाया, मेल और फीमेल दोनों का ऑप्शन दिया, उसके बाद जब ये चीज़ कोर्ट में गई तो जल्दी जल्दी उसके आंसर्स आए, डीएनए को सेकेंडरी एविडेंस नहीं फर्स्ट हैंड एविडेंस बनाए। यू नो आई यूज्ड टू बी वेरी अगेंस्ट कैपिटल पनिशमेंट, मैं बहुत अगेंस्ट होती थी, लेकिन ऐसे लोगों को जब तक आप एग्जांपल्स नहीं बनाएंगे तब तक सोसाइटी में चेंज नहीं आएगा। एंड बाय द वे, ज़्यादातर लोग जो मोलेस्ट और रेप करते हैं वो खुद विक्टिम्स ऑफ रेप एंड मोलेस्टेशन होते हैं, क्योंकि उनकी किसी ने रिहेबिलिटेशन नहीं की होती। खैर जुगन, योरसेल्फ हैड अ टफ लाइफ, ठीक है, ब्रोकन फैमिली, बैड मैरिज, लेकिन उसके बावजूद मैंने जुगन को बिटर नहीं देखा कभी। यू आर as happy as anybody can be, mashallah, energetic, positive. कैसे अपने आप को बचाया इस bitterness से? I think because मुझे rehabilitation का मौका मिलता रहा ना different stages in life में। जब मैं Canada गई तो वहाँ पे women's crisis center में मैं एक दिन पहुँच गई खुद ही, because मैं बहुत ज़्यादा upset हुई थी और मुझे समझ नहीं आ रही थी कि मैं किन चीज़ों की वजह से upset हूँ। शायद वो बचपन में जो बहुत ज़्यादा father हाथ उठाते थे उसकी वजह से, जो violence मैंने बचपन में देखा, फिर जो बहुत से डिफरेंट स्टेजेस पे मैंने इमोशनल एंड फिजिकल अब्यूज़ देखा, देन उसके बाद जब आगे आई तो जब मैं वहाँ पे गई तो वहाँ पे फर्स्ट मेरा स्टेप था ऑफ गोइंग इन फॉर थेरेपी, तो वहाँ पे मैं गई, वहाँ पे लोगों से बात की। व्हाट वर यू गोइंग थ्रू देन? उस वक्त मुझे नहीं पता, मैं क्लास में बैठे बैठे ना मुझे जिस तरह दिल तेज तेज नहीं धड़कना शुरू हो जाता और घबराना शुरू हो गई, क्योंकि मैंने साइकोलॉजी भी पढ़ रही थी, नफ्सियात भी पढ़ रही थी, साथ में सोशियोलॉजी भी पढ़ रही थी और मीडिया इन्फॉर्मेशन, ये तीनों मेरे मेजर्स थे। अच्छा, अब मैं वहाँ पे मुझे मेरी जो टीचर थे उन्होंने एक और स्टूडेंट को कहा कि टेक हर टू द वुमेन क्राइसिस सेंटर सो शी कैन टॉक, कि इसको क्राइसिस सेंटर ले जाओ, ये जाके बात करें। वहाँ पे गई, वहाँ पे मेरे नफ्सियात से मुलाकात हुई और मैंने रियलाइज़ किया कि एक तो इर्द गिर्द मेरे लोग थे वो भी कितने बड़े बड़े मसाइल से गुजर रहे थे, कोई रेप हुआ हुआ था, किसी ने कोई मार खा के बैठी हुई थी खातून, बहुत ज्यादा। दिस वाज आफ्टर योर फर्स्ट डिवोर्स? नहीं नहीं, मैं कनाडा में थी अभी। अच्छा, अभी मैं कनाडा में थी, अभी मैं यूनिवर्सिटी, अभी शादी नहीं की, अभी शादी नहीं की थी, मैं वहाँ पे थी, ये सारा कुछ हुआ। उसके बाद जब मैं पाकिस्तान आई तो द मैरिज हैपन्ड। अब वहाँ पे जब मैंने ये चीज़ें देखी और मैंने देखा कि यार थेरेपी एक अच्छी चीज़ है, किसी से जाके बात करना, अपने मसाइल को डिस्कस करना एक अच्छी बात है, अंदर जो जमा हुआ हुआ होता है, देखिए पानी के ग्लास में पानी डालते जाएंगे एक पॉइंट पे वो भर के उसके अंदर से गिरना शुरू हो जाएगा, सो जो अंदर मलबा जमा होता है उसको निकालना भी होता है। वहाँ पे मैंने रियलाइज़ किया थेरेपी की इंपॉर्टेंस कितनी ज़्यादा है, एक तो मैं पढ़ भी रही थी और साथ साथ वो अच्छा ये हुआ। फिर मैं जब पाकिस्तान आई और वहाँ पे आई रियलाइज़ कि यार ज़िंदगी बड़ी खूबसूरत है, अगर मेरी लाइफ में इतनी प्रॉब्लम है तो किसी की लाइफ में इतनी है, जिसकी लाइफ में इतनी है उसकी लाइफ उसके वो उसके ऑपोजिट एक और बंदा जिसकी इतनी है, सो मसाइल तो हर किसी की ज़िंदगी में है। अब जो कसूर में, फॉर एग्जांपल हमने इंसिडेंट की बात की, वो जो पेरेंट्स जो जिस चीज़ से गुजर रहे हैं उसके मुकाबले में मेरी ज़िंदगी या आपकी ज़िंदगी कितनी खूबसूरत और कितनी हसीन है। सो आप बहुत ही टिपिकल बात है, ग्लास आधा भरा हुआ है या आधा खाली है, मेरे लिए ग्लास हमेशा भरा हुआ है चाहे उसमें पानी ना भी हो, क्योंकि उसमें पानी मैंने भरना है, इफ़त उमर ने नहीं आके भरना, किसी ने नहीं उसके अंदर पानी आके भरना, उसमें पानी मैंने ही भरना है। तो मैं उन चीज़ों के लिए मेहनत करूं जिनके ऊपर मेरा कंट्रोल है, और जिन पे नहीं कंट्रोल एक आवाज़ उठाऊं, एक कोशिश करूं जिस तरह मैंने अपने मॉर्निंग शो में स्टार्ट किया, एक आवाज़ उठाई है कि यार आई एम गोइंग टू टॉक अबाउट सोशल इश्यूज एंड आई एम गोइंग टू टॉक अबाउट थिंग्स दैट मैटर, नाच गाने नहीं, बहुत बोरिंग है यार, दिस इज मेकिंग यू हैप्पी एंड सैटिस्फाइड और वेरियस स्टेजेस पे। और मैं पिछले 8 साल से जब से मैं पाकिस्तान वापस भी आई हूँ अपनी डिवोर्स के बाद भी, अपनी मिसकैरेजेस के बाद, मैं थेरेपी में ऑल थ्रू रही हूँ, मैं माहिर नफ्सियात के पास हफ्ते में एक दफा जाती। सो यू थिंक प्रोफेशनल हेल्प मेड यू स्टे सेन? एग्जैक्टली। और बात यह कि मीडिया में जो लोग काम करते हैं उनको तो मैं कहती हूँ कि सबको जाना चाहिए, इसलिए नहीं क्योंकि उनके वो पागल है, प्रॉब्लम है या वो पागल है, तो इस स्टूपिड स्टिग्मा को भी हटाना है, इसलिए जाना चाहिए फिर जी, बिकॉज हम लोग I go to a therapist. I admit that. Awesome. Awesome. But you see, आप जैसे लोग, मेरे जैसे लोग, जब हम सब मानेंगे तो तब लोग जाएंगे ना। देखो, depression is real. It can happen to anyone. Depression is real. Anxiety is real.
यू नो मैग्नीफाइंग ग्लास के नीचे 24 घंटे आप होते हैं. इफ़त उमर ने दुकान में खड़े होके किसी से ऊंची आवाज में बात कर दी, अब उसने क्या किया वो कोई नहीं देखेगा, बस इफ़त उमर. अब इफ़त उमर के पीछे सारे पड़ गए. जोगन काजिम ने कहीं पे कोई फनी सी स्टेटमेंट पास की जो उसकी तरफ से शी थॉट वॉज फनी, लोगों को पसंद नहीं आई, लो जी जोगन काजिम को लथाड़ दो. हम 24 घंटे लथाड़े जा रहे होते हैं किसी न किसी बात पे. बिल्कुल. सो बात यह कि या तो आप बिल्कुल एक इस तरह करके डब्बे में बंद होकर बैठ जाए, घर के अंदर लॉक करके अपने आप को, या फिर आप एक नॉर्मल भरपूर जिंदगी गुजारें और कहीं जाएं हफ्ते में एक दफा या हफ्ते में दो दफा और अंदर का अपना मलबा निकालें.